कि ज्यादा से ज्यादा दलित और गरीब बर्बाद कर दिए जाएं और लगातार आम आदमी पार्टी के वोटर बने रहें। यह संविधान है जिसकी वजह से हम बचे हुए नहीं, हम पुराने दौर में पहुंच जाएंगे। सबसे ज्यादा भाजपा वाले अगर किसी का गाली देते हैं, किसी को भद्दी गाली, नीच कहना, काला तीतर कहना और कितनी गंदी गंदी गाली देते हो, केवल मैं हूँ, आप चाहे सोशल मीडिया में चेक कर सकते। बाबा साहब की विरासत, बौद्ध की विरासत खत्म हो जाए। साथियों, मैं बीजेपी में खुद था और बीजेपी में कोई कमी नहीं थी। एक दिन मैं काम नहीं किया था बीजेपी में, सीधा संसद गया था। मेरे पास मिलने आए और उसके बाद में बायोडाटा भी नहीं दिया हमने, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से मेरा उम्मीदवारी उन्होंने घोषित कर दिया। उसके बाद जब संसद में आया तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी नाम बाबा साहब की लेगी, लेकिन काम नौकरी खत्म करने का है, संविधान खत्म करने का है। और जिस दिन संविधान खत्म हो गया तो खास तौर से देश की महिलाएं, दलित और अल्पसंख्यक जानवरों की तरह जिंदगी जीएं। इन बातों के ऊपर बड़ा मेरा मतभेद होता था। संसद में करीब मैंने 600 भाषण दिए, आधे से ज्यादा बीजेपी के विरोध में ही थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि किस तरह से आरक्षण खत्म कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे तो होंगे ही, 27 साल का आपका बसावट है, तो जो बच्चे पैदा हुए होंगे नौकरी लायक तो हो ही गए होंगे। मोदी के राज में नौकरी नहीं मिलेगी, मान लो वो जमाना चला गया जब कोई दलित समाज का व्यक्ति 2 में थोड़ा भी अच्छा होता था, इंटर और बीए किया होता था, घर से बुला के नौकरी दे दी जाती थी। वो जमाना कांग्रेस का हुआ करता था। और बाबा साहब का फोटो लगा करके केजरीवाल ने दलितों का वोट लूटा दिल्ली में। पंजाब में भगत सिंह जी के नाम पर, और गुजरात में लक्ष्मी और गणेश। ये आदमी इतना चालाक किस्म का है, इतना झूठ बोलता है। आप जानते हैं कि शीला जी की सरकार को कैसे उखाड़ा था। कहा था कि शीला जी की सरकार कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, आते ही शीला जी को जेल भेजूंगा। जो एशियाड गेम में घपला करने की बात कही कि आते ही जेल भेजेंगे हम, काले वाले को हटा दो। क्या जेल भेजा? नहीं। सेम सेम। इतना झूठा व्यक्ति है ये, आरोप गलत थे। जो अपने बेटा बेटी का कसम खाता हो, हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, वो आदमी कांग्रेस से समझौता करके
सरकार बनाया हो, जिसे अपने बेटा बेटी का फिक्र नहीं है, केवल सत्ता का मोह है, वो जनता का क्या ध्यान दे सकता है? दारू की दुकानें क्यों खोली गई कि ये ज्यादा से ज्यादा दलित और गरीब बर्बाद कर दिए जाएं और लगातार आम आदमी पार्टी के वोटर बने रहे, इसलिए दारू की दुकानें खोली गई। अपने ही मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का क्या गलती थी? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा उन्होंने पढ़ी थी, पहले तो उनको मजबूर किया माफी मांगने के लिए और फिर मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। क्या बाबा साहब ने गलती किया? जब बाबा साहब ने गलती नहीं किया तो राजेंद्र पाल ने भी गलती नहीं किया। राजेंद्र पाल से तो इस्तीफा दे लिया, महाराष्ट्र सिसोदिया से इस्तीफा नहीं ले रहे। सत्येंद्र जैन जो एक बलात्कारी से मसाज कर रहा उससे इस्तीफा नहीं ले रहे। एक कितना धूर्त और बेईमान किस्म के आदमी हो सकते हैं आप किसी से अंदाजा लगा सकते हैं। राजेंद्र पाल के वो दलित समाज का व्यक्ति था, उसकी गर्दन काट दिया, उसका जीवन खत्म कर दिया। कांग्रेस में ऐसा कहीं नहीं देखेंगे। जब पूरा कांग्रेस के और हर दल के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल इसलिए हुआ कि मैं दलितों की सेवा कर सकूं, आरक्षण बचा सकूं। अगर आप चाहते हैं कि आप आरक्षण बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, मैं यह नहीं कि आप बिरजू जी को वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, 100% अंतरात्मा से बोल रहा हूं, अगर दोबारा बीजेपी आई तो भूल जाना कि आपको नौकरी मिलने वाली है, भूल जाना कि आपका संविधान बचेगा, आपका हालात तो होगा जैसे आज मुसलमानों का हालात हो गया है और उससे भी ज्यादा खराब हालत कर देंगे। और पुराना जो इनका सनातन है जिसमें हम लोग गुलाम हुआ करते थे, इनका टट्टी उठाते थे, हम लोग पशुओं को का खाद उधेड़ते थे, गांव के किनारे बसाए जाते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, यह संविधान है जिसकी वजह से हम बचे हुए नहीं, हम पुराने दौर में पहुंच जाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, यह नहीं कि बिरजू पहलवान जी को वोट दे रहे देने के लिए मैं कोई गलत बात कह रहा हूं, इसमें 1% सच्चा, 1% इसमें गलती नहीं। उठ नारायण जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, उठ नारायण जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब बाबा साहब संविधान बचाए बनाए, इनके मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के जो आज जितने नेता हैं, इनके आका गुरु गोलवर्कर, गुरु गोलवर्कर आरएसएस के प्रचारक है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो? नाम सुना है गुरु गोलवर्कर का? नाम सुना है जी। उन्होंने कहा था अगर दलितों पिछड़ों मुसलमानों को सत्ता मिलती है आजादी के बाद, उससे बेहतर ताजीवन हम अंग्रेजों की गुलामी करते रहेंगे। ये इतना नफरत करते हैं, उनको जिताते आ रहे हैं आप, किसको जिताते आ रहे थे आप? यहाँ का वोट भी तो पड़ा होगा जो तीन बार से पार्षद हुए,
आपने अपने बच्चों के भविष्य का कत्ल किया आपने। एक एक वोट की कीमत होती है, एक एक काउंसलर को जिताने का मतलब होता है कि पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। आपको क्या दे दिया? मुझे तो एमपी मिनिस्टर भी दे रहे थे, मुझे तो कैबिनेट लेवल का दर्जा दे रहे थे, आज भी देने को तैयार है, इतने बेशरम है, आज भी पीछे लगे हुए। मुझसे ज्यादा इनकी आलोचना कोई नहीं करता। सबसे ज्यादा भाजपा वाले अगर किसी का गाली देते हैं, किसी को भद्दी गाली, नीच कहना, काला तीतर कहना और कितनी गंदी गंदी गाली देते हो, केवल मैं हूँ, आप चाहे सोशल मीडिया में चेक कर सकते। श्री उदित राज जी जिंदाबाद, श्री उदित राज जी जिंदाबाद, श्री उदित राज जी जिंदाबाद। आप चाहते हो कि भाजपा मुझे काला तीतर, मुझे नाली का कीड़ा, मुझे मूर्ख, अनपढ़ और नीच कहती रहे? हजारों कमेंट होंगे ट्विटर पर और फेसबुक पर जाके के देख लीजिए, अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं हुई तो वोट विजय पाल जी को मत देना। इस तरह से मैं तो छोटी बात करता हूँ, 750 झोपड़ियों का ही सरकारी रिकॉर्ड बना हुआ है, बाकी का नहीं। ये तो छोटी बात है, मैं तो पूरा देश, पूरा बाबा साहब, पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। और केजरीवाल आम आदमी पार्टी बीजेपी का भाई है, जहां जहां कांग्रेस मजबूत हुई है भारतीय जनता पार्टी ने उसको भेज करके कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। किसी केजरीवाल ने कहा था कि जैसे सत्ता में आएंगे जितने सफाई कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, मेंट हैं, टीचर हैं, सबको परमानेंट करेंगे। क्या किया परमानेंट? नहीं किया। झूठ बोला, वोट लिया। यही जैतपुर में सब्जी का दाम 20 रुपए होता है और आश्रम में जाके 40-50 हो सकता है। ये सरकार चला रहे हैं, दिल्ली का पैसा लूट करके पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं और पंजाब और दिल्ली का पैसा लूट करके गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, यह चुनाव कोई आसान, कोई मामूली चुनाव नहीं है। विजय पाल जी को ही जिताने की बात नहीं, ये आपके बच्चों का भविष्य का मामला है। मैं कोई चुनावी भाषण नहीं करता हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ और उससे मेरा व्यक्तिगत घाटा बहुत होता है। मैं बोल ही नहीं पाता झूठ, जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ। एक एक वोट कांग्रेस को मजबूत करेगी। भारत जोड़ो यात्रा वहां से चली है राहुल जी के नेतृत्व में, फिर से वो जमाना लौटेगा राजीव गांधी जी का, जब केवल नौकरी 2 साल तक दलितों को ही दी जाती थी और कोई भी नौजवान बिना नौकरी का नहीं हुआ करता था। राशन में कोटा, तेल की मिट्टी के तेल के दुकान में कोटा, आपका पेट्रोल पंप में आप कोटा, आरक्षण, संविधान लागू करना और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत प्लाट देना और शिक्षा का दरवाजा खोलना, पदोन्नति में आरक्षण देना, फ्री एजुकेशन देना, फीस नहीं लगती है, स्कॉलरशिप मिलती है, ये सब कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। एक भी कोई ऐसी स्कीम बताओ
जिसका लाभ जो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने दिया हो, जिसका लाभ आप लोगों को मिलना हो। सारी पुरानी ही स्कीमें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही। श्री उदित राज जी, श्री उदित राज जी, श्री उदित राज जी, जिंदाबाद, बिज्जू पहलवान, जिंदाबाद, बिज्जू पहलवान, जिंदाबाद, श्री दिनेश कुमार, जिंदाबाद। आप ये तुम जानते हैं ना, कितने लोग ऐसे जानते हैं कि मैं एक देश की आवाज हूँ कि नहीं हूँ? जान तो इसमें कुछ पढ़े लिखे होंगे, इस कॉलोनी के लोग मेरा नाम सुना होगा, सभी ने सुना है। मुझसे किस नजर से देखते हो आप लोग? आपका नेता के रूप में देखते हो कि नहीं? देश में आवाज देखते हो नहीं? उदित राज जी संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। उदित राज जी संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। अगर यहाँ मेरे आने का वोट नहीं मिला तो मेरा राष्ट्रीय स्तर का जो नेता मुझे माना जाता है उसमें गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? और उसका असर आपको भी तो पड़ेगा ना। अगर मैं गिरता हूँ तो आपका भी इज्जत सम्मान गिरती है, आपका लड़ने वाला भी गिरता है, कमजोर होता है। इसलिए एक एक वोट केवल प्रियंका कैम का ही नहीं, यह मान लीजिए ये विजय पाल जी का चुनाव नहीं, ये मान लीजिए कि आपके समाज का चुनाव है। कांग्रेस नहीं जीती तो संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा। प्रियंका कैम के सम्मान में, उदित राज जी मैदान में, प्रियंका कैम के सम्मान में, उदित राज जी मैदान में, उदित राज जी जिंदाबाद, श्री उदित राज जी जिंदाबाद। केजरीवाल ने एक बात और कहा कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश का फोटो लग जाए। सुनिए, ये बड़ा सुनने वाली बात है। एक तरफ गांधी जी रह जाए लेकिन दूसरे तरफ तो गणेश और लक्ष्मी का फोटो लग जाए, अर्थात अशोक की लाठ हट जाए। बिल्कुल जी, बाबा साहब की विरासत, बौद्ध की विरासत खत्म हो जाए। ये ऐसा व्यक्ति है, इतना खतरनाक व्यक्ति है। इसलिए मैं यहाँ से अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आए मुझे धक्का न लगे कि जिस समाज के लिए मैं पूरी जिंदगी लड़ा, कमिश्नर की नौकरी छोड़ा, सांसदी को लात मारा, तो यह न लगे कि हमारी कुर्बानी व्यर्थ गई है। बस इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। श्री उदित राज जी।